पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून के विरोध में दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी किसान करनाल से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने भी स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पहलू निकलकर सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय ये है कि किसान आंदोलन का हिंसक पहलू है। कड़े तौर पर ऐसे तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आई है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान के समर्थन की बात सामने आ रही है। बता दें, इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तथाकथित किसान द्वारा स्पष्ट तौर से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जैसे इंदिरा गांधी को ठोका है, वैसे ही नरेंद्र मोदी को भी ठोक देंगे। बता दें, ट्विटर पर साझा किए गए एक समाचार चैनल के वीडियो में व्यक्ति कहता है कि अभी हमारी सरकार के साथ एक मीटिंग है, अगर उसमें कुछ हल निकलता है तो ठीक है, मीटिंग 3 दिसंबर को तय हो गई है और हम तब तक यही रहने वाले हैं। अगर उस मीटिंग में कुछ हल नहीं निकला तो बैरिकेड तो क्या, हम तो इनके शासन को भी मिटा देंगे। हमारे शहीद उधम सिंह कटाना की धरती पर जाकर उन्हें ठोक सकते हैं, तो दिल्ली कुछ भी नहीं है हमारे लिए। जब इंदिरा को ठोक दिया तो मोदी की तो छाती पर ही ठोक देंगे। इस वीडियो के अगले हिस्से में लोगों को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि सरकार के साथ 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता, तब वहां मौजूद लोगों के पास बैरिकेडिंग तोड़ने और हिंसक होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। वही जमीन पर हो रहे प्रदर्शन के अलावा सोशल मीडिया पर भी किसान आंदोलन को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक पंजाबी मीडिया समूह द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में तमाम यूजर्स ने टिप्पणी की और टिप्पणी में वो इस आंदोलन को हिंसक बनाने की बता रहे हैं। वह प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को उग्र और हिंसक होकर अपनी बातें रखने का आह्वान कर रही है। एक टिप्पणी में यूजर किसानों के साथ हाथों में एक AK-47 देने की बात कर रहा है। एक और यूजर टिप्पणी करते हुए कहता है कि ये सार्वजनिक संपत्ति ही तो है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसके अलावा तमाम टिप्पणियों में प्रधानमंत्री और सरकार के लिए अपशब्द भी कहे गए हैं। किसानों के प्रदर्शन के नाम पर इस तरह की हिंसक विचारधारा और खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ट्विटर पर ऐसी तमाम तस्वीरें साझा की गई हैं, जिसमें खालिस्तान समर्थक पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।